दोस्तों अनुपमा शो दर्शकों के दिलों पर लंबे समय से राज कर रहा है और इसी के जरिए आज टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, जिनमें अब एक नाम शुमार हो चुका है एनरी वजानी का, जो कि शो में मालविका की भूमिका में नजर आती हैं, जिनका किरदार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि शो में काफी ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स लेकर आती हैं और इसी वजह से कम समय में ही एनरी वजानी आज काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों अनरी वजानी ही इकलौती अदाकारा नहीं है जो कि बेहद कम समय में ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं, बल्कि इनके जैसी हमारी टीवी इंडस्ट्री में और भी अभिनेत्रियां हैं और इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं अभिनेत्रियों से रूबरू करवाने वाले हैं जो कि कम समय में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और रूबरू होते हैं उन्हीं अभिनेत्रियों से। नंबर वन, सुम्बुल तौकीर। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नाम शुमार है अभिनेत्री सुम्बुल तौकीर का, जो कि वर्तमान में इमली सीरियल में इमली की भूमिका निभाते हुए दर्शकों का एंटरटेनमेंट कर रही हैं। आपको बता दें सुम्बुल तौकीर अभी 18 साल की ही हैं, जिनका ये लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहला ही शो है, पर इसके बावजूद भी आज ये टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन चुकी हैं, जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। नंबर टू, आयशा सिंह। गुम है किसी के प्यार में नजर आ रही अभिनेत्री आयशा सिंह भी उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक हैं जो कि कम समय में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई हैं, जहां शो में भी सई के किरदार में दर्शकों को इनका काफ़ी क्यूट और चुलबुला अंदाज देखने को मिल रहा है। तो वहीं जिस तरह ये शो अपने दमदार कॉन्सेप्ट और कहानी की वजह से टीआरपी में टॉप पर आता है, वो इन्हें काफ़ी पॉपुलर कर रहा है, जिससे ये आज एक घरेलू नाम बन चुकी हैं। नंबर थ्री, प्रणाली राठौर। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा के किरदार में नजर आ रही अभिनेत्री प्रणाली राठौर भी उन्हीं अभिनेत्रियों में शुमार हैं जो कि बेहद कम समय में काफ़ी पॉपुलर हुई हैं। जी हाँ, आपको बता दें इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में ही की थी, पर इसके बावजूद इन्होंने हमेशा ही अपने टैलेंट के जरिए हर एक किरदार को बड़ी बखूबी से पर्दे पर पेश किया है, जिसकी वजह से वर्तमान में भी ये अक्षरा के किरदार से दर्शकों के दिलों पर राज कर रही हैं। नंबर फोर, आशी सिंह। मीत सीरियल में मीत होंडा के किरदार में नजर आ रही अभिनेत्री आशी सिंह भी हमारी इस लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें इन्होंने भी इस शो से पहले केवल दो ही टीवी शो में काम किया है, पर इसके बावजूद इनकी क्यूटनेस और इनकी दमदार एक्टिंग ने इन्हें दर्शकों का फेवरेट बना दिया और इसी वजह से ये भी बेहद कम समय में काफ़ी पॉपुलर हो चुकी हैं। नंबर फाइव, शिवांगी जोशी। वर्तमान में बालिका वधु सीजन 2 में आनंदी के किरदार से दर्शकों के दिलों पर अपना जादू चला रही शिवांगी जोशी भी बेहद कम समय में काफ़ी पॉपुलर होने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं। बता दें इन्होंने इससे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है में लंबे समय तक नायरा की भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से आज ये इंडस्ट्री की सबसे टैलेंटेड होने के साथ साथ सबसे कम उम्र में फेमस होने वाली अभिनेत्रियों में शुमार होती हैं। नंबर सिक्स, ऐश्वर्या खरे। इस लिस्ट में नंबर छः पर नाम आता है अभिनेत्री ऐश्वर्या खरे का, जो कि जी टीवी के शो भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी की भूमिका निभा रही हैं, जिनका किरदार काफ़ी ज़्यादा सादगी और मासूमियत से भरा है, जिसकी वजह से लोग इनके किरदार से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं और इसी वजह से ये भी अपने किस किरदार के जरिए बेहद कम समय में ही दर्शकों की चहेती बन चुकी हैं। नंबर सेवन, मुग्धा चापेकर। कुमकुम भाग्य शो में प्रज्ञा की बेटी प्राची के किरदार में नजर आ रही अभिनेत्री मुग्धा चापेकर भी बेहद कम समय में ही काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं। जी हाँ, बता दें इन्होंने यूं तो काफ़ी कम ही शोज किए हैं, पर इसके बावजूद ये अपने हर एक किरदार में हमेशा ही काफ़ी खूबसूरती से ढलती हुई नजर आई हैं, जिसकी वजह से दर्शक भी इन पर प्यार बरसाने में कोई कमी नहीं छोड़ते और इसी वजह से ये इस लिस्ट में शुमार होती हैं। नंबर एट, ईशा मालवीय। जी हाँ, काफ़ी कम समय में फेमस होने वाली अभिनेत्री में आखिरी नाम आता है अभिनेत्री ईशा मालवीय का, जो कि उदारियां शो में जैस्मिन की भूमिका में नजर आ रही हैं, जिनका ये पहला ही शो है, पर इसके बावजूद आज ये इतनी मशहूर हो चुकी हैं कि इन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इन अभिनेत्रियों के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और ख़बरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।